देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं माहिन पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तुमसर से शुभम देशमुख की खास खबर। तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले सिले गांव में लगातार दो तीन दिन से हो रही बारिश के कारण ग्राम सिले गांव में सिले गांव परसवाड़ा तिरोड़ा मार्ग का नाला पूरी तरह से डूब गया है, जिससे आवागमन में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तुमसर शहर से जोड़ने वाला मार्ग भी इस बाढ़ से डूब गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फसलों का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि शासन प्रशासन इस ओर नजरअंदाज करते दिखाई दे रहा है। हर साल इन समस्याओं का सामना ग्राम से लेकर वासियों को करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के प्रति रोष दिखाया है व जल्द से जल्द नाला निर्माण कर किसानों की फसलों का मुआवजा देने की मांग भी की है। राजेश अशोक पेरे, मुकाम शिलेगाव पोस्ट वाणी, दूसरा जिला भंडारा येथील रहिवासी असून, माझं म्हणणं असं आहे की हा जो पूर आहे, दरवर्षी पावसाळ्यात हा पूर येत असतो आणि हा नाल्याला दरवर्षी पूर असतो। परसवाडा वडील आपला परसवाडा असो किंवा तिरोडा असो, हे मार्ग पूर्णतः बंद असतात। प्रशासनाकडे कितीदा तरी असे पुरा पाठपुरावा केला, परंतु अजूनपर्यंत ह्या नाल्याचा ना उपसा झाला आहे नाही हा बंधारा बांधून झाला आहे। हां, याकडे लोकप्रतिनिधींना तातडीने लक्ष देणे अत्यंत गरजेचं आहे। येतं मागल्या वेळी आमदार साहेबांनी भूमिपूजन केलं होतं, परंतु अजूनपर्यंत हा काम करण्यात आलेला नाही। हा का बरं असं कानाडोळा करण्यात येत आहे? याकडे बघा, आता ही शेती बघा, या शेतीमध्ये पूर्ण पूर धसलेला आहे। हां, ह्या कास्तकरांचं नुकसान होत आहे। मग याकडे लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रशासनाने तात्काळ लक्ष देणे गरजेचं आहे व या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे गरजेचं आहे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।